देश भर में ट्रक, डंपर और बस चालक इस समय हड़ताल पर हैं। चालकों का विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है और इस नए कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम की स्थिति जो है बनी हुई है और एक नारेबाजी लग रही है कि देश का चक्का जो है हम जाम कर देंगे। तो क्यों देश का चक्का जाम किया जा रहा है, क्यों इस नए कानून के प्रति लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, क्यों बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, इन तमाम सवालों पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आर्यमन और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की जो सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ती नजर आ रही है और देश के अलग अलग शहरों में लोग परेशान भी हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर एक नया कानून बनाया है जिसके तहत अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को कुचल कर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी और इसके अलावा साथ ही साथ 7 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। देखिए, पहले इस मामले में आरोपी ड्राइवर को कुछ ही दिनों की जमानत मिल जाती थी और वह पुलिस थाने से बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत पहले 2 साल जेल का प्रावधान था, परंतु अब ये कानून 2 साल से बढ़कर 10 साल हो गया है और साथ ही साथ समझिए 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, जिसके वजह से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, डंपर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। जो पहला कानून था उसमें 2 साल की सजा की प्रावधान थी, मगर जो नया कानून बना है उसमें 10 साल की सजा हो गई है और साथ ही साथ 7 लाख रुपयों का जुर्माना भी देना पड़ रहा है और यही कारण है कि बस और ट्रक ड्राइवर जमकर इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अनशन भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात बताते हैं आपको कि इसे लेकर देश के अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ट्रक बस अगर अपनी सेवाएं नहीं देगी, जो भी डेली यूजेज का सामान है, सब्जी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा और जब डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं डगमगाएगी। तो आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये हम जानेंगे और आप भी बताएं कि क्या ये नया कानून ट्रक ड्राइवरों के लिए, बस ड्राइवरों के लिए, वाहन चालकों के लिए सही है या गलत है। क्या सरकार ने ये फैसला लेकर सही काम किया है, हाँ या ना, आप अपने कमेंट में बताएं। और आपके पास भी कोई सुझाव हो, कोई मंतव्य हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगली खबर हम इसी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।